आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी सोराइसिस के बारे में, अप्रेस के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी सिंपल एक्यूप्रेशर से, सिंपल कुछ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके, रेगुलरली प्रेस करके आप सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं, सोराइसिस की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। फ्रेंड्स, इससे पहले, सबसे पहले, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, एंड इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सोराइसिस है क्या? सोराइसिस फ्रेंड्स एक स्किन डिजीज है। उसमें होता क्या है, हमारी जो स्किन पर रेड रैशेज हो जाते हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर भी रेड रैशेज हो जाते हैं, एंड उसके ऊपर पपड़ी बन जाती है, पपड़ी सी आ जाती है, सफेद रंग की व्हाइट कलर की पपड़ी आ जाती है। एंड जब हम इस पपड़ी को हटाते हैं तो रेड कलर की रैशेज दिखते हैं, लाल चकते दिखते हैं। एंड जब कभी हम इस पपड़ी को खुरच देते हैं, थोड़ा सा खुरच देते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी रेड डिस्चार्ज भी निकलता है। तो ये हमें बहुत प्रॉब्लम करता है, कई बार बहुत खुजली आती है। तो फ्रेंड्स, ये कहीं भी हो सकते हैं, हमारे हाथों में, पैरों में, हमारे जो गर्दन के एरिया में हो जाते हैं, हमारे सिर में हो जाते हैं, हमारे सेक्रल एरिया में हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमें परेशान करता है। अब बात करते हैं कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमें जो करना है वो क्या है कि हमारे जो ब्लड को क्लीन करना है, यानी कि ब्लड से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। अगर हमारा ब्लड क्लीन होगा प्रॉपरली, उसमें से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे तो हमें स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सेकेंडली, हमारा जो ब्लड है उसको कूल डाउन करना है। अगर हमारे ब्लड में गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बहुत हीट बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, हमें स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, हमें रेड रैशेज हो जाते हैं, हमारी स्किन पे दाने हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्लड की गर्मी को कम करेंगे, यानी कि कूल डाउन द ब्लड। थर्ड स्टेप हमें क्या करना है कि हमारा जो सर्कुलेशन है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली हो, प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन हमारी स्किन में जाए, प्रॉपरली हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो। फोर्थ हमें क्या करना है कि हमारी जो ड्राइनेस है, बॉडी में जो ड्राइनेस आ जाती है, कई बार होता है फ्रेंड्स, अगर हमारी सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है तो हमें खुजली होती है, इचिंग होती है और हमारी स्किन को हार्म होता है। तो हमें ड्राइनेस को भी कम करना है, तो हम ड्राइनेस को भी कम करेंगे। तो इस तरीके से देखते हैं अब कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमें प्रेस करने हैं इसको ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पॉइंट्स जो आपको प्रेस करने हैं एंड उनकी लोकेशन, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक एक करके उस पॉइंट का फंक्शन, वो पॉइंट कैसे काम करेगा, ताकि आप जब भी उन पॉइंट्स को प्रेस करें आप एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ प्रेस करें एंड आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट्स की। हम आएंगे पाम साइड, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर से, देखिए कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, कॉर्नर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कॉर्नर जो है वो हमारा थंब की साइड है, अंगूठे की तरफ है। तो ये हमारे इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट एंड दिस वन इज सेकेंड जॉइंट। इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा नीचे, देखिए इस लाइन पर दो पॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा नीचे पॉइंट LU5, लंग्स मेरिडियन का पॉइंट LU5, एंड उसके बाद सेकेंड जॉइंट पर, एग्जैक्टली सेकेंड जॉइंट पर सेकेंड पॉइंट है LU7, लंग्स मेरिडियन के दोनों पॉइंट हैं, पॉइंट LU5, पॉइंट LU7। नाउ थर्ड पॉइंट के लिए हम आएंगे मिडल फिंगर, मिडल फिंगर के बिल्कुल सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये मिडल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट एंड फर्स्ट जॉइंट के थोड़ा सा नीचे, इस मिडल वाली लाइन पर फर्स्ट जॉइंट के थोड़ा सा नीचे ये हमारा पॉइंट आ जाता है, पॉइंट SP6, स्प्लिन मेरिडियन का पॉइंट SP6। एंड उसके बाद ये देखिए मिडल फिंगर का सेकेंड जॉइंट एंड सेकेंड जॉइंट के कॉर्नर में, ये देखिए अगर हम इस कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो कॉर्नर है वो अगेन थंब की तरफ है, अंगूठे की तरफ है। तो इस कॉर्नर पर आ जाएगा ये पॉइंट मिडल फिंगर के सेकेंड जॉइंट से थोड़ा सा नीचे, ये पॉइंट है SP10। तो स्प्लिन मेरिडियन के दोनों पॉइंट है पॉइंट SP6, पॉइंट SP10। तो ये तो हो गए हमारे फोर पॉइंट्स। एंड उसके बाद हम आ जाएंगे बैक साइड अगेन, पहले इंडेक्स फिंगर के नेल के कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, ये सेकेंड जॉइंट, एग्जैक्टली सेकेंड जॉइंट पर हमारा पॉइंट आ जाएगा, फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा पॉइंट LI11, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट LI11। एंड नाउ मिडल फिंगर, अगेन मिडल फिंगर के नेल के कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगेन ये कॉर्नर भी हमारा थंब की तरफ है, अंगूठे की तरफ है। तो ये मिडल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, दिस वन इज सेकेंड जॉइंट,
एंड मिडल फिंगर के सेकेंड ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा पॉइंट आ जाएगा ST36, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट ST36। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट आ जाएगा हमारा थंब पर, थंब के बैक साइड। ओके, तो थंब के, ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट जहां से हमारा थंब बेंड हो रहा है, ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट। एंड थंब के नेल के कॉर्नर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो नेल का कॉर्नर है वो हमारी फिंगर्स की तरफ है। ये देखिए, आउटर साइड नहीं है ये कॉर्नर, ये कॉर्नर जो है वो हमारी फिंगर्स की तरफ है। तो ये देखिए, ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट एंड फर्स्ट ज्वाइंट से ही थोड़ा सा ऊपर ये हमारा सेवेंथ पॉइंट है, पॉइंट GB20, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB20। तो इस सेवन के सेवन पॉइंट्स को आपको प्रेस करना है। अब देखते हैं इनकी फंक्शनैलिटी। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एक करके मैं बता देती हूँ इन पॉइंट्स की फंक्शनैलिटी। एंड जब भी आप इन पॉइंट्स को प्रेस करें तो फील करें कि आपकी बॉडी में इस तरीके से हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर फर्स्ट पॉइंट LU5 एंड LU7 दोनों ही लंग्स मेरिडियन के पॉइंट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब भी कोई स्किन प्रॉब्लम्स होती है तो हम लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन को ट्रीट करते हैं, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के पॉइंट्स को प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले दोनों ही लंग्स मेरिडियन के पॉइंट है, पॉइंट LU5 एंड LU7। दोनों ही पॉइंट्स को प्रेस करने से, दोनों ही पॉइंट्स को ट्रीटमेंट देने से जो हमारी ब्लड की जो गर्मी होती है, ब्लड की जो हीट होती है वो कम हो जाती है, ब्लड की गर्मी को दोनों ही पॉइंट्स बाहर निकालते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा पॉइंट LU7 है वो हमारे स्किन के पोर्स को, जो हमारे स्किन के पोर होते हैं उनको प्रॉपरली ओपन करता है एंड प्रॉपरली डिस्पर्सिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है, ताकि कोई भी स्किन प्रॉब्लम हमें ना हो। एंड इसके बाद हमारे दो पॉइंट आ जाते हैं, पॉइंट SP6 SP10, दोनों ही हमारे स्किन मेरिडियन के पॉइंट्स हैं। दोनों ही पॉइंट हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छे पॉइंट हैं, हमारी ब्लड की केमिस्ट्री को ठीक करते हैं, ब्लड के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये इंश्योर करते हैं, इन पॉइंट्स अगर हम प्रेस करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये पॉइंट इंश्योर करते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो, हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली परफॉर्म हो। एंड इसी के साथ साथ इन दोनों पॉइंट को ट्रीटमेंट देने से हमारी बलगम भी बाहर निकलती है, बलगम को भी ये बाहर निकालते हैं। एंड इस तरीके से ये सोराइसिस की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये LI11 लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्किन प्रॉब्लम्स के लिए हम लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रीट करते हैं, हमारे फेफड़े और हमारी बड़ी आंत को ट्रीट करते हैं, तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है, पॉइंट LI11। फ्रेंड्स, ये एक होम्योस्टेटिक पॉइंट है, हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से कोई यूरिन प्रॉब्लम है या फिर कोई पसीने की प्रॉब्लम है, तो इन सब की टाइप की प्रॉब्लम्स को ये कंट्रोल करता है, तो हम इस पॉइंट को भी ट्रीट करते हैं। उसके बाद ये पॉइंट है हमारा ST36 स्टमक मेरिडियन का। तो फ्रेंड्स, ये एक वाइटल पॉइंट है, हम इसको भी यूज करते हैं। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है हमारा GB20, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB20, ये हमारे वात दोषों को निकालता है, तो इस पॉइंट को भी हम यूज करेंगे। चलिए अब इनको कैसे ट्रीट करना है जान लेते हैं। हम लेंगे ब्योर मैग्नेट। ये देखिए, ब्योर मैग्नेट का इस तरीके का पैकेट आता है, जिसमें हमारे 10 ब्योर मैग्नेट्स होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वीडियोस में मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ, ये हमारे एनर्जी को घटाने और बढ़ाने के काम आते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास ब्योर मैग्नेट्स नहीं है तो हमसे भी कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, देखिए ऑलमोस्ट एवरी डिजीज में, एवरी प्रॉब्लम में आपको हेल्प करते हैं, तो आप इनको रख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे एक साइड से येलो एंड दूसरी साइड से व्हाइट होते हैं। तो देखिए, हम इन मैग्नेट्स का यूज करेंगे एंड हम लेंगे पेपर टेप। पेपर टेप की हेल्प से हम इन मैग्नेट्स को पॉइंट्स पर चिपकाएंगे। तो फ्रेंड्स, सोराइसिस को ट्रीट करने के लिए हम इन पॉइंट्स को टोन करेंगे, एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो देखिए, हम करेंगे टोनिफिकेशन। देखिए क्या करना है आपको, हम लेंगे पेपर टेप का एक पीस एंड उस पर चिपकाएंगे। ये देखिए, पेपर टेप के स्टिकी पार्ट पर हम चिपकाएंगे व्हाइट साइड एंड येलो साइड। इस तरीके से ये जो येलो पार्ट है मैग्नेट का, वो हमारे पॉइंट को टच करेगा। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, देखिए येलो पार्ट जो है मैग्नेट का, वो हमारे स्किन को टच करेगा, पॉइंट को टच करेगा इस तरीके से। एंड जो व्हाइट पार्ट है मैग्नेट का, वो पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होगा। तो इस तरीके से सेवन के सेवन पॉइंट्स पर, सेवन के सेवन पॉइंट्स पर आपको इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई करना है, जिसमें हमारा मैग्नेट का येलो पार्ट जो है स्किन को टच करेगा एंड व्हाइट विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। तो फ्रेंड्स, सोराइसिस को ट्रीट करने के लिए दोनों ही हाथों में आपको इस तरीके से करना है, दोनों ही हाथों में। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे बायलेटरल पॉइंट्स हैं, दोनों ही हाथों में आपको अप्लाई करने हैं, तो आप दोनों ही हाथों में अप्लाई कीजिए।
तो इस तरीके से दोनों ही हाथों में आप कीजिए 7-8 आवर्स के लिए। आपको इन मैग्नेट्स को अप्लाई करना है, चाहे तो रात को सोने से पहले इन मैग्नेट्स को आप अप्लाई कर लीजिए एंड उठने के बाद इन मैग्नेट्स को रिमूव कर दीजिए एंड मैग्नेट्स को रख लीजिए। फ्रेंड्स, मैग्नेट रीयूजेबल होते हैं, अगले दिन फिर से आप इन मैग्नेट्स को इसी तरीके से अप्लाई कीजिए 7-8 आवर्स के लिए। तो कुछ दिन तक इसको रेगुलर कीजिए, इस ट्रीटमेंट को आप रेगुलरली कीजिए, जो आपकी वाइसिस की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा एंड इसी के साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।